हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज नए समाचारों के साथ, पहले मुख्य समाचार। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की संभावना देख मास चेकिंग अभियान जोरों पर। अब 50 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन करने की तैयारी पूरी, 1 मार्च से होना है टीकाकरण। समय पर पूरा करें प्रधानमंत्री आवास योजना का काम, प्रभारी जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। और रफ्तार से जिंदगी खतरे में, मब्बी ओपी के पास हुई दुर्घटना में 5 हुए घायल, 1 की हालत गंभीर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं कोरोना की। लगातार कोरोना जो दूसरी बार जिसका अटैक होने की संभावना, इसके तहत राज्य सरकार के आदेश पर मास्क चेकिंग अभियान चल रहा है। प्रभारी जिला पदाधिकारी ने 30 दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। उधर दूसरी ओर 1 तारीख से 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की पूरी तैयारी कर ली गई। हालांकि आखिरी आदेश आना बाकी है कि कैसे 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को एसएमएस जाएगा, चयन होगा। समझा जाता है कि 24 घंटे पहले प्रयोग के तौर पर 1 तारीख से इसका सांकेतिक, इसका विधिवत उद्घाटन हो जाए और उसके बाद नियमित प्रक्रिया यह चले, जिसमें 50 साल से अधिक के बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को मार्च माह में कोविड का टीका लगना शुरू हो जाए। हालांकि जो दूसरा टीका जिन्होंने लिया है 13 या 14 फरवरी को, उसके 15 दिन बाद एक आजादी मिलेगी मार्च से। मार्च का ही वह काला महीना था 2020 का, जब जनता कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा, और मार्च का ही वह महीना होगा, आजादी का महीना, कोरोना से आजादी का, जब दूसरा डोज लेने के बाद 15 दिन लोग पूरा करेंगे और वे कोरोना को परास्त करने वाले व्यक्ति बनेंगे। मानव से मानव संक्रमण कोरोना को हराने का एक इतिहास 2021 में रचा जाएगा। ये मार्च का ही महीना होगा, अंतर होगा 2020 और 2021। फरवरी महीना जाने को है, मार्च आने को है, लेकिन अगर हम पीछे 1 साल जाते हैं तो ये फरवरी महीना ही था जहां कोरोना का भय सता रहा था। भारत आने की बात हो रही थी और भारत कोरोना आ भी चुका था। मार्च महीना का वह काला महीना 2020 की बात करें, जब जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगा था, 25 मार्च से लॉकडाउन और एक तरह से काली स्याही रात और दिन भी वैसी ही। लेकिन मार्च 2021 की बात करें तो उन लोगों के लिए नई सुबह होगी जिन्होंने पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लिया, 28 दिन बाद दूसरा डोज लिया और उसके बाद 15 दिन गुजार कर ये मार्च 2021 में प्रवेश करेंगे कोरोना से आज़ादी। हालांकि कई राज्यों में
कोरोना के बढ़ते प्रकोप और संभावना को देखकर राज्य सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन का अमला खुद सड़क पर उतरा। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उपविकास आयुक्त तनय सुल्तानिया अपनी टीम के साथ उतरे। 30 दंडाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जगह जगह मास चेकिंग अभियान। कोरोना का खौफ देखकर उसे फिर से एक बार याद करने की जरूरत, ताकि कोरोना दूसरी बार कहर बनकर न बरस पड़े। और दूसरी ओर लगातार कोरोना वैक्सीन टीकाकरण पूरे तामझाम के साथ, पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे में जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे वह सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, और अब अगर तीसरे चरण की बात करें तो 1 मार्च से 50 वर्ष से अधिक के लोगों और जो बीमार लोग हैं उन्हें टीकाकरण करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि अंतिम आदेश आने की प्रतीक्षा है। समझा जाता है कि 27 की रात तक या 28 को आदेश आएगा। किन लोगों का टीकाकरण होगा, पूरी तैयारी तो है लेकिन सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सांकेतिक रूप से 1 मार्च से शुरुआत होगी, और ये भी समझा जाता है कि मार्च तक ये दूसरी लाइन कोरोना वैक्सीन की चलेगी, जिसमें 1 और 2 वैक्सीन लेने के बाद 15 दिन गुजारने के बाद उनकी आज़ादी होगी, तो दूसरी ओर बुजुर्ग लोगों को टीकाकरण करने की का अभियान और उसकी तैयारी अंतिम चरण में। बहरहाल कोरोना से डरना भी है, कोरोना से लड़ना भी है, बचना भी है। 2020 के मार्च, अप्रैल, मई, जून को याद कर लेना है और संभल संभल कर रहना है, क्योंकि जो मेहनत, जो त्याग, जो कुर्बानी लोगों ने दी है इस कोरोना काल में, कोरोना से निकलने की एक खुशी, एक जद्दोजहद, जिंदगी के इस जंग में कोरोना से जंग जीतना है, जिंदगी को बचानी है। अफसोस यही कि जो कोरोना के काल के गाल में समा गए, लेकिन जिन्होंने अपने को खोया है उनके आंसू पोंछते हुए शेष जिंदगियों को बचाने की जरूरत, कोरोना के कोहराम को समझने और याद करने की जरूरत। 1 मार्च से उन बुजुर्गों को शुभकामना जो कोरोना वैक्सीन लेकर अपना सफर तय करेंगे। अप्रैल में वो दूसरा वैक्सीन लेंगे, मार्च अंत में या अप्रैल में, और 15 दिन के बाद उन्हें भी अप्रैल माह के अंत में आज़ादी मिलेगी, जिस तरह से 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का टीका लेने वाले को आज़ादी मार्च महीने से मिल जाएगी। सभी आवास सहायकों पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बैठक। सभी प्रखंडों के प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना के सभी आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षकों के कार्यों की समीक्षा बैठक प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बिरौल प्रखंड के गनौरा तरवारा पंचायत, पर्री सिंहवारा प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत, अलीनगर प्रखंड के अलीनगर पंचायत, घनश्यामपुर प्रखंड के पहौदी, बहादुरपुर प्रखंड के मेकना वेदा, बहेरी प्रखंड के सुसारी तुर्की, इन सभी का आवास पूर्णता का प्रतिशत प्रशंसनीय रहा। वहीं हनुमाननगर प्रखंड के परौरी पंचायत, बहेरी प्रखंड के रमौली, गुजरेली पंचायत, बिरौल प्रखंड के लधो पंचायत, न्योरी पंचायत, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी सुगरेन, बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी, उघरा महापारा, बहेरी प्रखंड के धनौली पंचायत, ठाठोपुर, हायाघाट प्रखंड के मिर्जापुर, जाले प्रखंड के जोगियारा, सिंगवारा प्रखंड के राजो एवं क्योटी प्रखंड के लालगंज, कर्जापट्टी का आवास पूर्णता का प्रतिशत असंतोषजनक पाया गया। पीएमएवाईजे में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के सभी लंबित आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। सभी अपूर्ण इंदिरा आवास को भी 100% पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। प्रभारी जिला अधिकारी द्वारा जिले के सभी आवास सहायकों, आवास पर्यवेक्षकों को उक्त दोनों योजनाओं के आवास निर्माण कार्य पूर्णता का प्रतिशत 1 सप्ताह में बढ़ाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्य में पूर्णता का प्रतिशत नहीं बढ़ने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो बार बार विभागीय स्तर से समीक्षा हुई है, वीसी हुई है, बट अपेक्षित प्रगति दोनों में जितना हमें अचीव करना है उस हिसाब से नहीं है। मेहनत किया है आप लोगों ने, कंप्लीट किया है, जो पहले प्रोग्रेस था उससे इम्प्रूव हुआ है, पर दोनों में बार बार विभाग द्वारा किया जा रहा है कि जितने घरों को आपने 30 दिसंबर तक पहला किश्त दिया है उसको आप 31 मार्च तक कंप्लीट कराएंगे हर हाल में। ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि 100% अचीवमेंट मान लीजिए नहीं भी होगा, तो अगर आप जब तक 70-80% अचीव नहीं करोगे हम उसको नहीं मान सकते हैं कि कार्य अच्छा हुआ है, क्योंकि घर है 18 के। इसका मतलब है उस इंसान को जिसको पहली किस्त मिली है 17-18 फाइनेंशियल ईयर में मिली,
19 वाले को मिल गई अक्टूबर नवंबर ऑफ 2019, मिनिमम 1.5 से 1.5 साल हो गए, उसके बाद भी घर नहीं कंप्लीट किया है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फील्ड मूवमेंट में कमी है। जितना जियो टैग होना चाहिए उतना नहीं जियो टैग हो रहा है, जितने अभिलेख आने चाहिए एवरीडे नहीं है। सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो पर डे होना है वो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हमारा कंप्लीशन उतना हिट नहीं कर रहा है। और इंदिरा आवास योजना के घर तो 12 से लेकर 15 के हैं, इसमें कितने घर हैं जिसको सेकंड किश्त आज तक नहीं दिया गया है? तो बार बार बोला गया आप उनको सेकंड किश्त रिलीज करके कंप्लीशन करवाइए, क्योंकि कई घर उसमें ऐसे हैं जिनको राशि नहीं दी गई इसलिए वो कंप्लीट उतना नहीं करवा पाए। तो बिरौल में आइए भाई, का क्या है इनकम्प्लीट जो आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करना है एनी हाउ, ठीक है? तो आप लोग सभी आप लोग लक्ष्य अपना ध्यान रखें और इसको जो है आप लोग कंप्लीट करवाइए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? अभी नेक्स्ट हम लोग ब्लॉक करेंगे अभी, जिसको कुशेश्वर स्थान पूर्वी आपका 1393 20 फरवरी की रिपोर्ट के हिसाब से। तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात बस ने ऑटो से पीछे से टक्कर मारी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। एक की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, सभी का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। घटना मब्बी ओपी क्षेत्र के पास 57 पर घटित हुई। तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने ऑटो में पीछे से टक्कर मारी, 5 घायल हो गए, जबकि एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सभी का इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा। यह घटना मब्बी ओपी क्षेत्र के NH 57 की है। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो में सवार सभी आदमी भरवारा टेम्पो पकड़कर अपने गांव झंझारपुर के पोखर भिंडा जा रहे थे। टेम्पो में सवार कुछ छात्रा मैट्रिक की परीक्षा देकर अपने घर जा रहे थे कि आधे रास्ते में मब्बी के पास तेज रफ्तार से आ रही बस ऑटो में टक्कर मारी, धक्का लगी और सभी की हालत गंभीर हो गई, वे घायल हो गए। घायल कुसुम कुमारी 16 वर्ष है, आरती कुमारी 15 वर्ष, माधुरी मिश्रा 15 वर्ष, रानी मिश्रा और ऑटो ड्राइवर मोहम्मद परवेज खान भी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। सभी का इलाज चल रहा है एक निजी क्लिनिक में। इस घटना में माधुरी मिश्रा मैट्रिक परीक्षा देकर अपने घर माँ के साथ झंझारपुर जा रही थी कि रास्ते में ही घटना घटी। दोनों माँ बेटी का इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। हालांकि इस घटना में एक की गंभीर रूप से स्थिति नाजुक बनी हुई है। NH 57 पर हालांकि स्थानीय लोग भी कहते हैं कब यह रफ्तार रुकेगी और कब यहाँ दुर्घटना नहीं होगा। NH 57 पर हर एक दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है और किसी न किसी की जान जाती रहती है। मब्बी थाना जो है ना, थाना के आगे, मब्बी थाना के जस्ट मतलब पीछे गोदाम है, उसी में हम लोग काम करते हैं, उसी में थे। तो जोर से आवाज़ आई तो हम लोग देखे कि मतलब बाहर निकले तो देखे ऑटो और बस जो है आप पीछे से जो ऑटो को ठोक दिया, बस ठोक करके निकल गया। तो हम लोग आए देखे तो उसको उठा पुठा करके लाए। कितने आदमी घायल है इसमें? 4 आदमी है और एक ऑटो ड्राइवर भी है जो वहीं है, थोड़ा मोड़ा मतलब उसको भी चोट लगा हुआ है। हाँ बोलो। तो इस साइड में ट्रक खड़ा हुआ था, दाहिना हाथ होता ना, हाँ दाहिने हाथ में ट्रक खड़ा हुआ था, 4-5 गो लाइन से खड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, आगे देख रहे हैं बस वाले जो है पैसेंजर को उतार रहा है, तो मैं गाड़ी रोका नहीं, मैं अपने साइड से धीरे धीरे जा रहा था। उसने में पीछे से आया गाड़ी वाले ने, अब कौन सा गाड़ी था ये नहीं मालूम, सीधे आया मारा और मेरा स्टीयरिंग पे गिर गया मैं, 2 मिनट तक के उस पर बेहोश रहा। उसके बाद जब होश आया तो देख रहे बस वाले निकल गया, मेरा सवारी जो जो बुक किए हुए थे वो हमको सिर उर पूरा फटा हुआ था, पूरे घायल था। तो फिर मैंने टेम्पो वाले को एक को बोला कि भाई इनको लेके चलिए, हमको भी बोला सब कि चलो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गांधी के विचारों पर प्रकाश डाला गांधी के हर काल में प्रासंगिक रहेंगे। गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आत्मसात करने की जरूरत है।
गांधी एक प्रवृत्ति है, गांधी एक विचार है, गांधी एक धारणा, गांधी एक आदर्शवाद है। अर्थशास्त्रियों के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रियों के लिए समाजशास्त्र और अपने आप में गांधी पूरे दर्शन शास्त्र हैं। गांधी जी शारीरिक बल के बजाय आत्मबल के प्रबल समर्थक रहे। अंत में उन्होंने कहा कि गांधी को अध्ययन करने वाला व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए जरूरत है गांधी के विचार को देश के घर घर तक पहुंचाने की। बतौर कुल सचिव सह सम्मानित अतिथि प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने शायराना अंदाज में अपने उद्बोधन में शुरुआत की। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय पर संगोष्ठी वही आयोजित कर सकता है जो जावाज होगा। आगे उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का मूल मंत्र सत्यम शिवम सुंदरम व वसुधैव कुटुम्बकम गांधी के विचारधारा में समाहित था। गांधी को अध्ययन करने वाला व्यक्ति कभी दोहरा प्रवृत्ति का हो ही नहीं सकता। जरूरत है आज के जेनरेशन को गांधी को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना व उन पर शोध करना। मौन भी अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। मौन ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के अवभाव से, चेहरे से, या आज उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उससे समझ सकते हैं, इसको देखकर, इसको समझकर ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि विमर्श ही एकमात्र विकल्प है। गांधी दर्शन में अगर आप अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, कार्य करके दिखाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा विकल्प है समाज को कुछ बताने का, समाज को जगाने का, समाज में परिवर्तन लाने का। ये गांधी के बहुत सारे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दुनिया जिस तरह से विकसित हुई है, आर्थिक तरक्की, डिजिटल वर्ल्ड बन गया, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोगों ने बहुत वैज्ञानिक क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली, जीवन बड़ा आरामदेह हो गया, सुखद हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ अमीर और बीच की जो खाई है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जो जिस संस्कृति में हम लोग रह रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में जीने के लिए विवश हो गए हैं, उसमें आप देख रहे हैं कोविड जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, पर्यावरण जैसे संकट से हमें जूझना पड़ रहा है, जिस तरह से आतंकवाद फैला है, जिस तरह से कट्टरता बढ़ी है, ऐसे में जिस तरह से कृषि क्षेत्र में पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की संभावना देख मास्क चेकिंग अभियान जोरों पर, अब 50 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन करने की तैयारी पूरी, 1 मार्च से होना है टीकाकरण। समय पर पूरा करें प्रधानमंत्री आवास योजना का काम, प्रभारी जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। और रफ्तार से जिंदगी खतरे में, मब्बी ओपी के पास हुई दुर्घटना में 5 हुए घायल, 1 की हालत गंभीर। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए लगातार निधि संग्रहण अभियान और नगर भाजपा की ओर से दरभंगा टावर चौक पर यह चलाया गया शुक्रवार। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के तहत दरभंगा टावर पे भी नगर भाजपा की ओर से समर्पण संग्रह निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम के तेल चित्र पर माल्यार्पण, दीप जलाकर निधि संग्रहण का श्री गणेश हुआ और अपनी स्वेच्छा से मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि की रसीद कटवाया गया। कार्यक्रम के समापन पर नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांसेकार ने कहा कि विगत 500 साल के उपरांत अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में प्रारंभ हुई।
उन सैकड़ों राम भक्त को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है जिनका बलिदान हुआ। इस आंदोलन में 120 करोड़ हिंदू के आस्था जुड़ा हुआ है। मंदिर निर्माण से दुनिया सबसे भव्य मंदिर में होगा। आज संपूर्ण भारत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के तहत प्रत्येक चौक चौराहा पर स्टॉल लगाकर हमारे कार्यकर्ता बंधु रसीद सहयोग राशि ले रहे हैं स्वेच्छा से। उसी के अंतर्गत आज दरभंगा टावर के इस ऐतिहासिक गांधी स्मारक के समीप भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से एक काउंटर लगाया गया। लोग स्वेच्छा से आकर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आगाज दो जगहों पर रजनीश सिनेप्लेक्स और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय के सभागार में हुआ। प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम साह ने मुख्य अतिथि के रूप में उत्सव का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आगाज दो जगहों पे रजनीश सिनेप्लेक्स एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। यह फिल्म फेस्टिवल दरभंगा फिल्म क्लब की ओर से आयोजित किया गया 3 दिनों के लिए होगा, जिसमें देश और विदेशों के कुल 42 फिल्मों को दिखाया जाएगा। फेस्टिवल के अंतिम दिन 28 फरवरी को सभी चयनित फिल्मकारों एवं उनके फिल्म से जुड़े दूसरे विधाओं के कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस चलचित्र में उत्सव में देश के कई हिस्से से फिल्मकार शिरकत किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम साह ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। देश के लिए खास करके बधाई मुबारकबाद मिथिलांचल के लोगों के साथ साथ मिराज भाई को भी और राधे श्याम बाबू जो कमिश्नर हैं अभी आपके आयुक्त प्रेजेंट आयुक्त हैं, उन्होंने साफ गोई से कहा कि हम इसको देखते हैं कि और इसको हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं और इस कितने ऊंचाई पर जा सकते हैं। साहित्य हमारे समाज को गढ़ता है, संस्कार देता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, सबसे जीवंत रूप मनोरंजक रूप अनुभाव रूप फिल्म है। अच्छी फिल्म आपके अवसाद को दूर करता है, समाज जिंदगी में मुस्कुराहट बिखेरता है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये हमेशा पढ़ता रहे। बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए जितना हम बधाई दें आयोजन को, दरभंगा फिल्म का क्लब को, उतना कम है, सभी का सहयोग इसमें मिलना चाहिए। पीजीडी विभाग द्वारा चलन चापा कल मरम्मत दल की टीम को रवाना किया गया समाहरणालय परिसर से शुक्रवार। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का चलन चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि पीएचईडी द्वारा नगर निगम या ग्रामीण इलाके में चापाकल स्थापित किए गए हैं, उनके रख रखाव एवं मरम्मती के लिए एक चलंत मरम्मती दल जिसमें प्लम्बर टेक्नीशियन आवश्यकता अनुसार भेजे जाएंगे, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर पर जैसे ही कॉल आएगा तो कनीय अभियंता एवं अन्य अभियंता पदाधिकारी एवं टेक्नीशियन और कर्मी इसी चलंत मरम्मती दल के साथ जाएंगे और वहीं पर उसका समाधान करेंगे। इससे लोगों को फायदा होगा। जिस तरह से हमें बार बार सुदूर ग्रामीण इलाकों से कई तरह की शिकायतें आती है कि चापाकल की मरम्मती की आवश्यकता है लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाती, इस तरह विभागीय स्तर से इस तरह की पहल होने से लोगों को बहुत सहूलियत होगी। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहायक अभियंता विवेक कुमार, कनीय अभियंता अवधेश कुमार सिंह, कृष्ण कुमार, निरंजन कुमार और संबंधित अभियंतागण मौजूद थे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया समाहरणालय के समक्ष। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मांग दिवस के अवसर पर 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया समाहरणालय के निकट। जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, जायज
मांगे देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हमारे जो मांग है राष्ट्रीय स्तर के मांग, राज्य स्तरीय मांग, उन मांगों को लेकर के आज मांग दिवस मनाया जा रहा है। हमारी मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, नई पेंशन योजना जो हम लोगों पर थोप दी गई है उसको वापस ले, सभी कर्मचारियों को पुराने पेंशन में आच्छादित करे, ठीका संविदा मानदेय आउटसोर्सिंग दैनिक पुष्ट छिड़काव कर्मचारियों को सरकारी सेवक घोषित करते हुए बिहार सरकार उसे नियमित वेतन में नियुक्ति करे। सीएम कॉलेज की अध्यक्ष इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन मेयर बैजंती देवी खेरिया ने किया। 50 छात्र छात्राओं को विशेष शिविर के लिए संबोधित किया गया। सीएम कॉलेज की एनएसएस इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का मेयर बैजंती देवी खेरिया ने उद्घाटन किया। 50 छात्र छात्राओं को विशेष शिविर के लिए रवाना किया गया। दरभंगा राज के अंतिम महाराज कामेश्वर सिंह की मृत्यु के पश्चात गठित ट्रस्ट द्वारा अनियमितता बरते जाने की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में धरना दिया गया प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समक्ष। दरभंगा राज के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु पश्चात गठित ट्रस्ट द्वारा अनियमितता बरते जाने की जांच सीबीआई से कराने की मांग लेकर बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में धरना दिया गया प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष। अरे महाराजा के मृत्यु के बाद गठित ट्रस्ट द्वारा किए गए अनियमितता की जांच सीबीआई से कराना होगा, धरना का आज मुख्य उद्देश्य ये है कि दरभंगा राज के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह के मृत्यु के पश्चात आपको 5/7/61 को एक वसीयत बनाए उन्होंने। उस वसीयत में पूरे संपत्ति को 3 भाग में बांटे, 1/3 संपत्ति अपने बड़ी महारानी, 1/3 संपत्ति अपनी छोटी महारानी और उनके मरने के बाद भाई भतीजा को, और 1/3 संपत्ति जनकल्याण दरभंगा में जनकल्याण के लिए देना था। लेकिन दरभंगा राज परिवार के लोग आपसी मिलके, कुछ यहाँ के दलाल और माफिया से मिलके दरभंगा राज के सारे संपत्ति को बेच के विदेश चले गए। दरभंगा राज के पास खरबों का सोना चांदी हीरा जवाहरात था। दरभंगा राज द्वारा 2 रुपया में सकरी चीनी मिल और लोहट चीनी मिल बेच दिया। दरभंगा राज द्वारा कम मूल्य लेके इंडियन नेशन आर्यावर्त, जो उस समय आज़ादी से पहले सबसे लोकप्रिय अखबार था, उसको और मिथिला यूनिवर्सिटी को कामेश्वर नगर को कम पैसा लेके बेच दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन द्वारा आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता के राष्ट्रीय चरण में प्रणाली झा प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता बनी। अब अंतर्राष्ट्रीय चरण में वो पहुंच गई है, जिसकी वोटिंग 27 फरवरी को 12 बजे से शाम 5 बजे तक होनी है। नटराज डांस एकेडमी के मोहित खंडेलवाल ने कहा, वोटिंग देकर मिथिलांचल की बच्ची को प्रोत्साहन दे, उसे विजयी बना। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन द्वारा आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता के राष्ट्रीय चरण में प्रणाली झा प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता बनी। अब अंतर्राष्ट्रीय चरण में पहुंच गई है, जिसकी वोटिंग 27 फरवरी को 12 बजे से शाम 5 बजे तक होनी है। नटराज डांस एकेडमी के मोहित खंडेलवाल व प्रणाली झा भी मौजूद थी और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वोटिंग देकर मिथिलांचल की बच्ची का नाम रोशन करें। मेरा नाम प्रणाली है, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे पिछले राउंड में जिताने के लिए आप सबका धन्यवाद। मुझे इस इंटरनेशनल राउंड में भी विजय बनाई। मैं, मेरी बेटी का नाम प्रणाली झा है, जो एक्टिंग में बहुत रुचि, बचपन से ही बहुत छोटी थी तभी से इंटरेस्ट था,
तो मैं इसे देखी और मैं अपने फैमिली से बात की, मेरे फैमिली के लोग बहुत सारे सपोर्ट किए और मैं इसका एडमिशन करवाई नटराज यूनिवर्सिटी में और सर हमेशा मेरा सपोर्ट किए। मैं मिडिल क्लास बिलोंग करती हूँ, ना मैं हाई क्लास फैमिली से हूँ ना लो से, इसीलिए आप सभी भारतवासी मिथिलावासी से निवेदन है जो मेरी बेटी प्रणाली झा जो आप सबकी बेटी है, मिथिला की बेटी है, बहुत कम समय अब इसके पास बहुत सारा वोट दे के बहुत सारा प्यार दे के जिताई, जैसे फर्स्ट राउंड में जिताए थे अभी भी वो आप लोग का प्यार उतना ही जरूरी है। हम लोग को हुआ और पूरे इंडिया में इसकी कॉम्पिटिशन थी, छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है और उसको भाग लिया गया और इस कंपटीशन में वो एक राउंड होता था इन लोग का कि एक एज से इतना एज, इतना से लेके इतना एज वाले इसको इतना इतना वोट चाहिए, पर उसका जो एक लाइनिंग था कि सारे एज वाले जितने भी एज थे, जो मतलब 1 साल का बच्चा से लेकर के और 12-13 साल का बच्चा तक, उस सारे राउंड में ये सबसे अव्वल 2000 वोट से ऊपर रही प्रणाली झा। वो सब आप लोग का प्रेम और आशीर्वाद से हुआ और ये वोटर की टॉप मोस्ट ये वोटर रहे, इनके जैसा वोटिंग पूरे इंडिया में किसी का नहीं था। तो ये अब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की संभावना देख मास चेकिंग अभियान जोरों पर, अब 50 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन करने की तैयारी पूरी, 1 मार्च से होना है टीकाकरण। समय पर पूरा करें प्रधानमंत्री आवास योजना का काम, प्रभारी जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। और रफ्तार से जिंदगी खतरे में, मब्बी ओपी के पास हुई दुर्घटना में 5 हुए घायल, 1 की हालत गंभीर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।